शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये चिट्ठी दीदी ने भेजी है आपके लिए। फिर आप नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम। या हमारे स्वर्ग जैसे गांव में आई तो कम से कम ये शहरी दिल तो उस नर्क में छोड़ा थी। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, ये चिट्ठी दीदी ने भेजी है आपके लिए। दीदी? कौन दीदी? नेहा दीदी। क्या? और हाँ भैया, दीदी ने ये भी कहा है कि तुम उन्हें मंदिर के पास मिलना। मेरे राजा, मुझे माफ कर दो, अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक नाटक था। सच तो ये है कि पहली ही नजर में तुम मेरे दिल में समा गए थे, और अब दिल तुमसे बहुत कुछ कहने के लिए बेकरार है। तुम आ रहे हो ना? अरे नेहा जी, नेहा जी, क्या क्या ये खत आपने? हाँ मैंने। ओह रियली? ओ नेहा जी, कहीं घूमने चलें? घूमने? हाँ। चलिए। ओह गॉड, आई कांट बिलीव इट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि भगवान आज मुझ पर इतने मेहरबान हो जाएंगे कि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था नेहा जी, वो आज सच हो जाएगा। और नेहा जी आपको नेहा जी नहीं, सिर्फ नेहा। क्या करूं, जिस सुरु की देवी को बरसों से पूछता रहा, आज उसका नाम लेते हुए कुछ अजीब सा, आप समझ नहीं सकती नेहा जी के। फिर आप नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम। ओके ठीक है, मैं आपको आप नहीं तुम क्या पुकारूंगा। और नेहा जी, I'm sorry, नेहा, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो, हम वहां जाके उस पंप हाउस में बैठते हैं। ओके ओके चलो। अब तुम मौत ऑर्गन ही बजाते रहोगे या गाड़ी से भी उतरोगे? चलिए। चलो Thanks. इस पंप हाउस में बैठते हैं। चलिए चलो। वाओ, क्या जगह है। हम तो भूल ही गए, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए थे, गाड़ी में है। एक मिनट, हाँ हम अभी लेकर आते हैं। बाय बाय, सी यू। अरे अरे नेहा, ये दरवाजा क्यों? नेहा ये क्या कर रही हो? नेहा नहीं, नेहा जी कहो। तुम क्या समझते हो हम तुमसे प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रेम पत्र तो एक झूठा नाटक था, सिर्फ तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। बहुत परेशान किया तुमने हमें, ये उसी का जवाब है। मेरे ख्याल से इसके बाद तुम हमें कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं ना करोगे। जब तक कोई तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं लेता, तुम यही सड़ते रहो, हम तो चले। नेहा जी, मैं तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक आप खुद मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। कसम है मुझे आपके गीतों की। राजा भैया,
ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? 3 दिन से राजा भैया लापता है, सब लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। लोग डर रहे कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जा। तीन दिन से लापता है, कहीं पंपा उसमें। शहरी डायल को यहां से बाहर निकालो। हम इसे इसके किए की सजा देख रहेंगे। देखने में कितनी भोली लगती है ये, पर इसकी करतूत तो देखो। डॉक्टर साहब इसे यहां से बाहर निकाल दीजिए। सुर टेंपल प्रेम पत्र को मृत्यु पत्र बनाई थी, या हमारे स्वर्ग जैसे गांव में आई तो कम से कम ये शहरी दिल तो उस नर्क में छोड़ा थी। ये भी काली की काली फरी है। आओ भाइयों, इसके मुंह पर भी काली पोंख देते हैं। रुक जाओ भाइयों, होली को भला कौन डाल सकता है? अब इसे कुछ कहने से क्या फायदा? बेटी क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी इसके साथ तुम्हारी? ये ऐसे नहीं बताएगी ताऊ, इससे हम पूछेंगे। हम पूछेंगे इससे। ठहरो, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। क्यों देवी जी, उस बार झूठी साजिश करके उसे बंद नहीं करा पाई तो अब जान लेने पर तुल गई हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हवलदार जी साहब हथकड़ी लाओ। कहीं दरोगा चाचा, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है चाचा, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। ये क्या कर रहे हो राजा भैया, इन्हें तो पंप हाउस में बंद करके तोरी जान लेने की कोशिश की है। नहीं पांडे, नहीं, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल
परसों मैं यूं ही घूमता फिरता पंप हाउस की तरफ निकल गया था। थोड़ा सुस्ता लूं ये सोचकर मैं पंप हाउस में जाकर लेट गया और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और अनजाने में ही शायद किसी ने बाहर से कड़ी लगा दी। भला हो नेहा जी का जिन्होंने मुझे वक्त पे वहां से निकाला और यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हम सबको तो नेहा जी का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनकी वजह से मैं बच गया। दरोगा चाचा आप इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। जी मैं तब तक यहां से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक आप मुझे खुद यहां से बाहर नहीं निकालेंगे। तू इसी अपमान के लायक है नेहा। तुझे इन भोले भाले लोगों के गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। गांववालों ने आप पर जो आरोप लगाए आपको अपमानित किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी नेहा जी। और हां बहुत खुश हुआ था अपनी जिंदगी का ये पहला प्रेम पत्र पाकर, मगर तब जब मेरे लिए एक सच था। लेकिन अब मेरे लिए इसके कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। राजा
तुम्हारा पहला प्रेम पत्र अब ये सच है। मैं इन टुकड़ों को अपने प्राश्चित से जोड़ना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो राजा, वरना इन टुकड़ों की तरह मैं भी टूट जाऊंगी। जरूर कोई बुरी खबर हुई दासू जी, अब भूल जावा, सो ही गवा, सो ही गवा। काहे रो रहा है रे बिटुआ, का हुई गवा है? जब तक आप बतायो नहीं कैसे मालूम पड़ी, मगर भी करना ही। अब हम अपनी छाती मजबूत कर लिए है, बताइयो दो। अरे हम ही कहे की खातिर आ रहे है कि गवन वाक की जो कल की तारीख रही ना। कमीज़ रे क्या समझ गया रे? पूरे एक साल की छुट्टी हो गई। अरे नहीं रे, कल का तारीख पक्की समझो। पक्की? सच्ची? मतबल? मतलब ही कि अब तुम डोली ओली का इंतजाम कर ही लियो, लाके अपनी दुल्हनिया को ले जाओ। अरे हमार सासू जी, हमार गवरवा की तारीख पक्की हुई गई, पक्की हुई गई। अगला कहेगा नेहा, कल तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक सिंगिंग स्टार के रूप में देखा था। लाखों हजारों की भीड़ में मैं भी एक था, तुम्हारे गीतों का दीवाना। लेकिन आज मैं तुम्हारे दिल में हूँ नेहा। ये सब एक सपना सा लगता है। नेहा आज मेरे लिए गीत गाओ ना, सिर्फ मेरे लिए, प्लीज नेहा। राजा भैया। अरे सुन रहा है, इनमंत्रण तोरी मेम साहब के लिए भी है, कल टाइम पर आ जाना, हम दावत है। ए ससुर डैमफुल, हमारा दोनों कब हुई रे? व्हाट इज दिस ठेंगा ठेंगा? नो ननद फुल गिनवा के भरी है पानी, ननद फुल गिनवा के भरी है पानी, साधु हमारी महलों की रानी, साधु हमारी महलों की रानी, ससुर सुबे दरबार के भरी है पानी, ससुर सुबे बहुत मजा आएगा नहीं? अरे राजा भैया, अरे तेरी आवाज को क्या हुआ रे? गाने के दे? नहीं 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 शर्ट बटा बटा हमार चमिया नेहा जी की गायिका की फरमाइश करत है। अरे हाँ नेहा, एक गीत सुना ना। हाँ नेहा, कम ऑन नेहा। ये वो लोग हैं जो शहर आकर महंगे महंगे टिकट खरीद कर शायद तुम्हारे गीत कभी ना सुन सकें। प्लीज इनका दिल रख लो। देखो आज मेरी दोस्त की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है। ओह, तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो, कहा ना मैं नहीं गा सकती। ना प्रॉपर साज है, ना रिदम और ना ही रेसल। देखो ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो एक प्यार का माहौल बना हुआ है, दो लाइनें गुनगुनाने में तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नेहा प्लीज, प्लीज नेहा मेरी बात रख लो। नेहा आई एम सॉरी, मैं नहीं गाऊंगी।
नेहा, नेहा रुको, नेहा मेरी बात सुनो, नेहा, ये सब क्या तमाशा है? आज तुमने सारे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे इतना मनाने पर तो पत्थर भी पिघल जाता है। अगर तुमने तो आज हाँ हाँ, हम तो पत्थर दिल से भी गए गुजरे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है नेहा? भगवान के लिए इस वक्त यहाँ से चले जाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी ही होगी नेहा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें उन सब लोगों को भी इज्जत देनी होगी जो जो प्यार के एक बोल पर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार रहते हैं। उनके सुख दुख में इस वक्त हम तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन। नेहा, तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना ही होगा। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि यह हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए क्योंकि हम वो साहस है जिसकी तारे टूट चुकी है, और इसलिए क्योंकि अब हम कह नहीं सकते। मगर ये सब अचानक हुआ कैसे? मैंने तो तुम्हारे सारे प्रोग्राम देखे हैं, बस एक आखिर को छोड़कर। वही मेरी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम बनकर रह गया, मेरे सुरों के सफर का अधूरा गीत। बताओ मुझे क्या हुआ था उस दिन, बताओ नेहा, बताओ। उस दिन मैं पापा की बात नहीं रख सकी राजा, नहीं रख सकी। नहीं नेहा, नहीं, मन छोटा मत करो। डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि तुम अब कभी गा ही नहीं सकती? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इंसान मन से चाहे कोशिश करे तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। तुम्हें कोशिश करनी होगी नेहा, तुम्हें कोशिश करनी होगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदगी में गा पाऊंगी या नहीं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला था तब तक मैं अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? भगवान की दी हुई कला को नष्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। आज भी तुम्हारी जगह वही है जहां तुम्हें सुनने और तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थी। तुम्हें गाना होगा नेहा, तुम्हें गाना होगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना कि अब मैं नहीं गा सकती, और अब मुझे कीचड़ में जाने का कोई शौक नहीं जहाँ हैरी जैसे घिनौने जानवर बसते हैं। और प्लीज मेरे सामने मेरे गुजरे हुए कल का जिक्र कभी मत करना। राजा, जिस किसी से भी पूछो तो यही जवाब मिलता, पता नहीं तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई तुम्हें क्या पता। अच्छा चलो आज कहीं घूम आए, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नेहा, तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? I'm sorry, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुमसे तो बात तक करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास, फिर कभी। राजा, Thank you.
कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे? मुझे छोड़कर फिर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। आखिर क्या गलती हुई मुझसे? तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या कसूर है मेरा? तुम मुझे इसलिए ठुकरा रहे हो कि आज मैं गा नहीं सकती? राजा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? क्या तुम्हें सिर्फ मेरे गीतों से प्यार था, मुझसे नहीं? हाँ, मुझे सिर्फ गीतों से ही प्यार है। तुम अपने गीत वापस ले आओ, राजा फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। राजा, नेहा के साथ इस तरह की बेरुखी का क्या मतलब है? गौरी, नेहा से मैं भी बेइंतहा प्यार करता हूं, उसके बिना मैं जी सकूंगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये सब क्या है? कोशिश। कोशिश? नेहा मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेवफाई को प्यार में बदलने के लिए वो फिर से गाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं उसके गीतों का कितना दीवाना हूं। पर पगले, तू ये क्यों नहीं सोचता कि जिसने तुझे ही अपनी जिंदगी मान लिया है वो इस सब से दुखी होकर कुछ और भी कर सकती है? राजा, जब दिल टूट जाता है ना, तो जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है। गौरी,